हाय, मैं हूं तुषमा और आप देख रहे हैं फंडू कंटेंट। बॉलीवुड हमेशा ही सनसनियों से भरा हुआ रहता है, तो ऐसी ही हम आपको 10 बॉलीवुड की बड़ी खबरें बताएंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की नंबर 10th हाईलाइट से। सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने कहा था कि वो डेट करना चाहेंगी कार्तिक आर्यन को। हाल ही में सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ करण जौहर के शो कॉफी विद करण पर आई थी, और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कितने इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल पूछते हैं करण जौहर इन एक्टर्स से, और ऐसा ही एक सवाल पूछा करण जौहर ने सारा अली खान को। वो सवाल ये था कि किन्हें डेट करना चाहेंगी सारा अली खान, और सारा अली खान ने तुरंत ही जवाब दे दिया कि वो कार्तिक आर्यन को डेट करना चाहती है। और जब मीडिया ने यही सवाल पूछा कार्तिक आर्यन को, तो कार्तिक ने ये कहा कि सारा अली खान एक बहुत ही प्रिटी एक्ट्रेस है और उन्हें केदारनाथ का ट्रेलर भी बहुत पसंद आया। और जब उन्हें आगे पूछा गया कि क्या वो सारा के साथ कभी डेट पे जाएंगे, तो कार्तिक ने ये जवाब दिया कि वो उनके साथ कॉफी पे जरूर जाना चाहेंगे। इसी के साथ हम शायद जल्द ही बॉलीवुड के नेक्स्ट बिग कपल को देख पाएंगे। बॉलीवुड की अगली बड़ी खबर ये है कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर का जो रूमर्ड अफेयर है, वो अब शायद सच साबित हो चुका है। ये दोनों हर रोज तो हेडलाइंस बनाते ही हैं कि कभी उन्हें देखा गया साथ में डिनर डेट पे, तो कभी उन्हें बॉलीवुड पार्टी में साथ में देखा गया। और तो और, हाल ही में जब संजय कपूर की बीवी माहिब कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पार्टी की फोटो शेयर करी, जहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर साथ में बैठकर पोज कर रहे हैं। और तो और, जिस तरह से दोनों साथ में बैठे हैं, उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। और तो और, इन दोनों की शादी के रूमर्स भी हर जगह फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपनी 8वीं बड़ी हाईलाइट पर। 2018 शादियों का सीजन रहा। बॉलीवुड के कई सितारों ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म तो किया ही, पर साथ ही साथ कई शादियां भी हुई। और ऐसे में करीना कपूर खान क्यों पीछे रह जाती? जी नहीं, उन्होंने दोबारा शादी नहीं की, पर उन्हें देखा गया ब्राइडल अवतार में एक एड शूट के लिए। और अब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी सोशल मीडिया के ट्रेंड होने के बाद, करीना कपूर खान की इस ब्राइडल अवतार में फोटोज हर जगह सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रही है। करीना कपूर खान एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एक यंग ब्राइड दिखाई दे रही है। अब हम बढ़ते हैं हमारी 7वीं बॉलीवुड की बड़ी हाईलाइट की ओर। नवंबर 14 और नवंबर 15 वो दो शुभ दिन हैं जिस दिन हुई है रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी, वो भी लेकोमो इटली में। और अब ये दोनों आ चुके हैं वापस मुंबई में। दोनों जैसे ही मुंबई आए, सीधा गए भवनानी हाउस में दीपिका पादुकोण की गृह प्रवेश करने के लिए। और तो और, रिपोर्ट्स की माने तो दोनों जाएंगे दीपिका पादुकोण के वर्ली वाले घर में, जब तक इन दोनों का बंगलो पूरी तरह से फर्निश्ड नहीं हो जाता। दोनों ही इंडिया आने के बाद मुंबई में कई जगह स्पॉट हुए थे। दीपिका पादुकोण खास करके देखी मिनिमल मेकअप में और एक प्यारे से मंगलसूत्र के साथ। दोनों ही शादी के बाद से बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहे हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारी 6वीं बड़ी बॉलीवुड की हाईलाइट की ओर। अर्जुन कपूर ने हाल ही में अपनी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड खत्म की है, और अब वो बढ़ चुके हैं अपनी अगली बड़ी पिक्चर पानीपत की ओर, जिसे डायरेक्ट की है आशुतोष गवारीकर ने। इस फिल्म में अर्जुन कपूर के साथ लीड में रहेंगे कृति सेनन, पद्मिनी कोल्हापुरी और संजय दत्त। और अब ऐसा नजर में आ रहा है, अर्जुन कपूर ने अपने फैंस के लिए एक सरप्राइज रखा है, और वो सरप्राइज ये है कि अर्जुन कपूर ने अपनी अगली पिक्चर पानीपत के लिए अपना सर मुंडवा दिया है। हाल ही में वो स्पॉट हुए थे आशुतोष गवारीकर के ऑफिस के बाहर बांद्रा में, जहां पर अर्जुन कपूर अपना ऑलमोस्ट बॉर्न लुक छुपा रहे थे एक रेड हुडी में, और साथ ही साथ अपने मुंह को कवर किया था एक काले कपड़े से, और उन्होंने पहना था काला चश्मा भी। अर्जुन कपूर को ऐसा देखकर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं उनका अगला लुक देखने के लिए। वैसे हम आपको बता देते हैं कि अर्जुन कपूर इस पिक्चर में सदाशिव राव भाऊ का किरदार निभाएंगे। अब हम बात करते हैं बॉलीवुड की 5वीं बड़ी हाईलाइट के बारे में। मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर कमाल जैन ने शेयर किया एक इमोशनल नोट रानी लक्ष्मीबाई के 198th बर्थ एनिवर्सरी पर। इस पिक्चर में हम मणिकर्णिका का किरदार निभाते हुए देखेंगे कंगना रनौत को, और ये फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है January 25, 2019 में। और अब रानी लक्ष्मीबाई के 198th एनिवर्सरी पर प्रोड्यूसर कमाल जैन ने ये नोट शेयर किया है हम सबके साथ। ये फिल्म की शूटिंग हुई है
भूतपूर्व में, और साथ ही साथ इस पिक्चर में है अंकिता लोखंडे और अतुल कुलकर्णी भी। अब बात करते हैं बॉलीवुड की चौथी बड़ी हाईलाइट पर। शाहरुख खान की पिक्चर जीरो पे लग गई है रोक, क्योंकि उनके ट्रेलर ने सिख कम्युनिटी का दिल दुखाया है। अमृतपाल सिंह खालसा ने कम्प्लेन की है और दरख्वास्त किया है कि जीरो फिल्म के ट्रेलर में से सारे वो सीन्स डिलीट किए जाएं जिसमें शाहरुख खान ने किरपन पहना है, जो सिख कम्युनिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है। और साथ ही साथ एक पिटीशन भी फाइल किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को कि इस फिल्म को कोई सर्टिफिकेशन ना दिया जाए, और अगर दिया भी गया हो तो उसे वापस ले लिया जाए। और इस केस की सुनवाई होगी कोर्ट में 30 नवंबर को, जिसमें अमृतपाल सिंह खालसा बताएंगे कि क्या तकलीफें हैं सिख कम्युनिटी को इस पिक्चर और इस ट्रेलर से। और अब बात करते हैं बॉलीवुड की चौथी बड़ी न्यूज के बारे में। कटरीना कैफ और सलमान खान की पिक्चर भारत धीरे धीरे पर बहुत ही बढ़िया तरीके से सबके हेडलाइंस में आ रही है। हाल ही में खबर आई थी कि सलमान खान को इस फिल्म की शूटिंग करते वक्त इंजरी हो गई थी और इसी वजह से वो वापस मुंबई में आ गए थे। और हाल ही में इस पिक्चर के प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है लुधियाना शेड्यूल से, जहां पर कटरीना कैफ सेट पर चल रही है एक रेट्रो लुक में। आप देख सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ कटरीना कैफ की बैक दिखाई दे रही है, जहां पर वो एक छाता लेकर चल रही है। कटरीना कैफ ने ये फिल्म को ज्वाइन किया जब प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म को छोड़ा अपनी शादी के शेड्यूल की वजह से। चलिए अब आते हैं बॉलीवुड की थर्ड बिग हाईलाइट पर। 2.0 के मेकर्स ने हाल ही में रिलीज किया एक और एक पोस्टर अपनी पिक्चर का। सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की ये पिक्चर, जो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर बनी है, जल्द ही रिलीज होने वाली है। आप इस पिक्चर को देखेंगे बड़े पर्दे पर 29 नवंबर को। और साथ ही साथ इस पिक्चर के मेकर्स ने काउंटडाउन चालू कर दिया है इस पिक्चर के रिलीज डेट से पहले तक। और अब एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें लिखा है इन 9 डेज इट विल टारगेट यू, जहां पर आप देख सकते हैं रजनीकांत भी दिखाई दे रहे हैं इस पोस्टर में। रजनीकांत इस पोस्टर में चिट्टी द रोबोट के किरदार में है और इनके बैकग्राउंड में एक ईविल बर्ड है जिसे वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ हमें थोड़ी दूरी पर इस पिक्चर की लीडिंग लेडी एमी जैक्सन भी नजर आएगी इस पोस्टर के राइट साइड में। पिक्चर 2.0 को डायरेक्ट किया है एस शंकर ने और इस पिक्चर की कास्ट है रजनीकांत, अक्षय कुमार, एमी जैक्सन, सुधांशु पांडे और आदिल हुसैन। अब बात करते हैं बॉलीवुड की दूसरी बड़ी खबर के बारे में। कुछ ही टाइम पहले हमें पता चला था बायोपिक शकीला आने वाली है, जो बनी है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के ऊपर। ये बायोपिक शकीला एक्ट्रेस के बारे में ये बताएंगी कि किस तरह से शकीला एक्ट्रेस की एक इरोटिक इमेज और स्टारडम के अलावा भी जिंदगी थी। शकीला का किरदार निभा रही है ऋचा चड्ढा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्रजीत लंकेश ने। चलिए अब वक्त आ गया है बॉलीवुड की नंबर 1 हाईलाइट के बारे में। हाल ही में नेहा धूबिया और अंगद बेदी ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी और अब दोनों को एक बेटी भी हो गई है। हम आपको ये बात बता दें, नेहा धूबिया और अंगद बेदी की शादी के पहले ही नेहा धूबिया प्रेग्नेंट थी और शायद इसी वजह से दोनों ने ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट दी और हश पश में शादी कर ली और अब दोनों को ही एक खूबसूरत सी बेटी हो गई है। इन दोनों की खुशी में बॉलीवुड के कई सितारों ने भी इन दोनों को विश किया। हम आपको बता दें, इन दोनों को बेटी होने से पहले सानिया मिर्जा को भी हाल ही में एक लड़का हुआ था। हमें 2018 में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में काफी कुछ पता चला। काफी एक्टर्स अपने रिश्तों के बारे में खुल के सामने आए, तो काफी एक्टर्स ने अपनी शादी की डेट फिक्स कर ली और किन्नों ने तो शादी ही कर ली। और इतना ही नहीं, काफी एक्टर्स माँ बाप भी बने। बॉलीवुड में 2018 ना ही प्यार और शादियों का सीजन रहा, पर साथ ही साथ कई एक्टर्स के घर में छोटी नई खुशी भी आई। बॉलीवुड की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।